दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। ट्राइडेंट लिमिटेड से जुड़ी कल भी मैंने आपके साथ एक इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर करी थी, जिसमें मैंने आपके कंपनी की तरफ से जो मंथली सेल्स के नंबर सितंबर मंथ के डिक्लेयर करे गए थे उसे फुल कंपैरिजन के साथ आपके साथ शेयर किया था और बताया भी था कि ट्राइडेंट की जो परफॉर्मेंस है वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर बहुत ही शानदार तरीके से इम्प्रूव होते हुए हमें देखने को मिल रही है। वहीं आज के दिन हमें ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ से दो नहीं बल्कि तीन बड़ी अनाउंसमेंट यहां पर देखने को मिल रही है, जिसके बाद शेयर होल्डर्स की यहां पर लॉटरी लगने वाली है अगर आपने ट्राइडेंट के अंदर पोजीशंस बनाए रखी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अप स्टॉक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना फ्री डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं करा रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं ट्राइडेंट के बारे में, जहां पर आज के दिन भी आपको शेयर्स के अंदर 5% का अपर सर्किट देखने को मिल चुका है और आज के दिन भी शेयर्स ने अपने नए ऑल टाइम हाई को क्रिएट कर दिया है। साथ ही साथ अगर आप ट्राइडेंट के वॉल्यूम बेस्ड काम को एनालिसिस करेंगे तो आज के दिन एनएसई के अंदर ट्राइडेंट लिमिटेड की 4,91,00,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसके सामने 2,71,00,000 क्वांटिटी डिलरेबल बेस पर उठाई गई है और डिलरेबल बेस क्वांटिटी का परसेंटेज भी आप देख सकते हैं लगभग 55% के अप्रोक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप ट्राइडेंट की ऑर्डर बुक भी देखेंगे तो काफ़ी शानदार आपको यहां पर वॉल्यूम बेस्ड काम मार्केट आवर्स के बाद में भी ट्राइडेंट के अंदर फ्रेश बाइंग आते हुए देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ट्राइडेंट की तरफ से क्या बड़ी अपडेट्स यहां पर निकल कर आ रही है और 21 अक्टूबर 2021 का दिन ट्राइडेंट के शेयर होल्डर्स के लिए इतना स्पेशल क्यों होने वाला है। तो इस न्यूज़ का आप काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो ट्राइडेंट की तरफ से निकल कर आ चुकी है। आप देख सकते हैं 12 अक्टूबर 2021 आज ही के दिन की अनाउंसमेंट है, जो कि रिसेंटली यहां पर ट्राइडेंट की तरफ से एनएसई और बीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश करी गई है, जिसमें ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपने Q2 के रिजल्ट की डेट यहाँ पर अनाउंस कर दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको कंपनी के Q2 के रिजल्ट 21 अक्टूबर 2021 के दिन देखने को मिलने वाले हैं और साथ ही साथ कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए इंट्रीम डिविडेंड भी यहां पर डिक्लेयर किया है। जी हां दोस्तों, कंपनी का फर्स्ट इंट्रीम डिविडेंड यहां पर आपको फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का Q2 के रिजल्ट में देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ में इस इंट्रीम डिविडेंड के लिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो इसके लिए क्या रिकॉर्ड डेट निकल कर आ रही है, चलिए अब उस अनाउंसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये अनाउंसमेंट भी आज ही के दिन निकल कर आई है और ठीक इंट्रीम डिविडेंड के डिक्लेयर करने के बाद में आपको जो यहाँ पर टाइम पीरियड मिलने वाला है, यानी कि ट्राइडेंट के अंदर अगर आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो यहाँ पर कंपनी की तरफ से जो रिकॉर्ड डेट अनाउंस करी जा रही है वो है 29 अक्टूबर 2021। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं 29 अक्टूबर 2021 ट्राइडेंट के इंट्रीम डिविडेंड के लिए यहाँ पर रिकॉर्ड डेट रखी गई है, यानी कि 28 अक्टूबर 2021। इसकी एक्स डेट को हम लेकर चल सकते हैं, यानी कि थर्सडे के दिन तक अगर आप ट्राइडेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली यहां पर कंपनी जितना भी इंट्रीम डिविडेंड डिक्लेयर करेगी Q2 के रिजल्ट में उसके लिए आप यहां पर एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहां पर कंपनी के पास बहुत ही शानदार यहां पर आपको रिजर्व देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के रिजर्व भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो हो रहे हैं। रिसेंटली कंपनी के पास 2807 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं, यानी कि कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर्स को ₹2 per share का डिविडेंड, ₹5 per share का डिविडेंड भी अगर डिक्लेयर करती है तो यहाँ पर कंपनी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो अब आप डिविडेंड के लिए भी यहाँ पर प्रिपेयर हो जाइए और साथ ही साथ कंपनी की अगर आप बोरोइंग्स भी देखेंगे तो कंपनी की बोरोइंग्स भी कंटिन्यूसली बेसिस पर रिड्यूस हो रही है। यदि आपने ट्राइडेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर आप कंपनी की स्ट्रेंथ भी देख सकते हैं, जिसमें कंपनी का जो डेप्ट है वो कंटिन्यूसली बेसिस पर रिड्यूस हो रहा है और कंपनी हर Q1 on Q2 बेसिस पर अपने जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट करते हुए हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ ट्राइडेंट जो कि एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ही सिर्फ 19,000 करोड़ का है, उसके अगर आप डिविडेंड पे आउट रेशियो देखेंगे तो लगभग 50% का अप्रोक्स आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, यानी कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके हाथ में अगर आप ट्राइडेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो।
ट्राइडेंट के अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को भी चेक करेंगे तो 2000 से लिस्टेड कंपनी पिछले एक साल के अंदर तो मल्टी बिगर रिटर्न्स इसने बनाकर दिए ही हैं, लेकिन अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो 7390% के रिटर्न्स यहां पर कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है। डेफिनेटली पिछले एक साल में आपको इसके अंदर बहुत ही शानदार रैली देखने को मिली है, जिस कारण से इसके अंदर कोई ऑपरेटर का गेम नहीं हो, इसलिए ट्राइडेंट लिमिटेड को ACM लिस्ट की शॉर्ट टर्म लिस्ट के स्टेज वन के अंदर भी इंक्लूड किया गया है। लेकिन आपको इस न्यूज से बिल्कुल भी पैनिक नहीं लेना है, क्योंकि ट्राइडेंट के अंदर अभी भी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है और जिस प्रकार से कंपनी का बिजनेस एक्सपांड कर रहा है, डेफिनेटली यहां पर ये शेयर्स आपको फेस्टिवल में यानी कि दिवाली तक ही आपको ये शेयर्स 40 रुपीज अबव यहां पर इसके टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इन सबके साथ में ट्राइडेंट की तरफ से एक और बड़ी अनाउंसमेंट आज ही के दिन निकल कर आई है, जिसमें आप देख सकते हैं ट्राइडेंट ने अपने जो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है जो कि उनके 1250 सीनियर्स के पास में है, उनका भी यहां पर आपको रिडेम्पशन देखने को मिल रहा है, जिसकी डिटेल्स भी आप यहां पर बिल्कुल देख सकते हैं। अब आपका सबसे ज़्यादा फोकस ट्राइडेंट के क्वार्टर टू के रिजल्ट के ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की परफॉर्मेंस हमें कंपनी की क्वार्टर वन के अंदर देखने को मिली थी, एक्सपेक्टेशंस यही है कि यहाँ पर भी आपको यानी कि क्वार्टर टू के अंदर भी आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं, और रिजल्ट के डिक्लेयर होने के ठीक कुछ दिन बाद ही आपको ये शेयर 50 रुपीज प्लस भी ट्रेड होते हुए देखने को मिल सकता है। डेली बेसिस अगर इसका जो डे एवरेज वॉल्यूम है वो भी यहाँ पर कंटिन्यूसली आपको ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ कंपनी का आज के दिन जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी 19,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है, यानी कि कंपनी का बिजनेस तो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ ही रहा है। साथ ही साथ कंपनी के आने वाले फ्यूचर प्लान्स भी बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अगर हम ट्राइडेंट के यहाँ पर कंपनी के कुछ की मेट्रिक पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यान, बाद लिलेन, बेड लिलेन एंड वीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर केमिकल्स एंड कैप्टिव पावर बनाने का काम करती है, जिसमें आपको रिसेंटली PLI स्कीम का बेनिफिट भी ट्राइडेंट को बहुत ज़्यादा मिलते हुए देखने को मिल रहा है। यदि आपने ट्राइडेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हैं तो 21 अक्टूबर 2021 के पहले आप इस शेयर्स को अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको रिजल्ट के साथ साथ कंपनी जो डिविडेंड देने जा रही है इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट और सारी अपडेट मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। ट्राइडेंट से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल से भी अपडेट करी जा रही है, तो यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपके पास ट्राइडेंट की कितनी क्वांटिटी है और किस लेवल पर आपने उसे बाय कर रखा है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।